नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। देखिए, गुजरात में जो है चुनाव से पहले जो है अब भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है, या यूं कह ले कि भाजपा की जो है एक बार फिर से गुजरात में पोल खुल गई। देखिए, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल की जो है यहाँ पर जो दौरा है गुजरात में, वो कहीं ना कहीं भाजपा को यूं ही जो है खौफ के अंदर डाला हुआ था, और अब जो है भाजपा के लिए एक और मुश्किल जो है चुनाव से पहले गुजरात में खड़ी हो गई। दरअसल गुजरात में 7,000 शिक्षकों ने एक साथ जो है सामूहिक अवकाश ले लिया। अब अवकाश क्यों लिया है, इसके लिए भी बड़ा कारण। दरअसल उन्होंने सरकार से कुछ दिनों पहले पुरानी पेंशन योजना जो है बहाल करने की मांग की थी, जिसके बाद जो है उन्होंने आंदोलन किया था, उसके बाद उनकी बातों को मान लिया जाएगा ऐसा आश्वासन दिया गया। लेकिन साल बीत गए, लेकिन भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को जो है बहाल नहीं, जिसके बाद अब देखिए कि दिसंबर में हो सकता है गुजरात में चुनाव हो जाए, तो अब देखिए सारे शिक्षक जो है सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर गए, पुरानी पेंशन योजना को जो है लागू करने की मांग को लेकर के लगातार तमाम शिक्षक जो है चाहे सरकारी स्कूल के, वो जो है अब सड़कों पर उतर करके मोदी सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द जो है पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होती है तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। हालांकि ये आंदोलन अब देखिए कि गुजरात में किस विकास की बात करती है मोदी सरकार जो है, वहां पर भाजपा की सरकार है, किस विकास की बात करती है, क्या यही विकास कि अब शिक्षकों को भी सड़कों पर देखिए उतरना पड़ा। तो सरकार को चाहिए कि नफरती राजनीति से पहले जो है यहाँ पर जनता के हित में जन मुद्दों के लिए काम किया जाए, तब जाकर कहीं जनता का यकीन जीता जाएगा। तुष्टिकरण की राजनीति हर जगह काम नहीं आती है, और उन 7,000 जो शिक्षकों ने आज जो सामूहिक अवकाश लेकर के आंदोलन पर उतरे हैं, उनकी समस्याओं को जो है सुनना चाहिए सरकार को, और उस पे सोच विचार करके उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, वरना गुजरात चुनाव में सरकार को एक और बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहो और देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़।